एवरलास्टिंग गॉस्पल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे सच पूरा सच, जीवन नित्य जीवन होने के तरह सुसमाचार और सनातन सुसमाचार भी पवित्र ग्रंथ में है। प्रकाशित वाक्य 14 वचन में योहान के दृष्टि में फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों की सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। अंग्रेजी बाइबल किंग जेम्स वर्जन में सनातन सुसमाचार को एवरलास्टिंग गॉस्पल कहा गया है। मेरा प्रिय भाइयों और बहनों, सुसमाचार कृपा समय में सुनाई जाने वाले समाचार है। यह आप सभी लोग जानते हो, लेकिन यह सनातन सुसमाचार परमेश्वर की न्याय बहुत पास पहुंच आने के समय पर सही कहो तो प्रकाशित वाक्य 14:7 वचन में परमेश्वर की न्याय दिन पहुंचने पर सुनाई देने वाले समाचार है। उसी समय में हम जी रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिए और फर्क समझिए। इस समाचार चिरस्थाई समाचार कहने का मतलब है, सुसमाचार को अंत है, लेकिन सनातन सुसमाचार को अंत नहीं होती है। समय को अनंत में मिलाने वाली सुसमाचार ही सनातन सुसमाचार है। कौन इस सनातन सुसमाचार को आपके पास ले आएगा? कौन इसे प्रचार करेगा? प्रकाशित वाक्य 14 वचन के तहत एक और स्वर्गदूत प्रचार करेगा। इस स्वर्गदूत हमारे सोचने के तरह कोई पंखों वाली दूत नहीं। परमेश्वर आपने सुसमाचार प्रचार करने के लिए एक व्यक्ति को चुनकर उसी से द्वारा सुसमाचार प्रचारित करवाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपने गलतियों का एहसास हो और परमेश्वर की महिमा की समझ हो, उस व्यक्ति को परमेश्वर सुसमाचार प्रचार करने के लिए चुनेगा। उदाहरण के लिए अपोस्तल पौल एफेसी संघ काल के लिए सुनने की तरह इस स्वर्गदूत होगा। इस सनातन सुसमाचार किसे सुनाई जाएगा? हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों को क्या समाचार देगा? प्रकाशित वाक्य 14:7 वचन तहत परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसका न्याय करने के समय आ पहुंचा है। बहुत जल्द भयंकर चीजें आ रहे हैं। भागो भागो कहकर चेतावनी देता है। इस सनातन सुसमाचार आकाश के बीच में सुनाई देगा। परमेश्वर अपने वधु को मिलने मध्याकाश में आएगा। यीशु मसीह के दूसरा आगमन के बारे में इस सनातन सुसमाचार होगी। सुसमाचार मसीह के पहला आगमन को स्पष्ट किया है। सनातन सुसमाचार मसीह के प्रकाशित वाक्य को स्पष्ट करता है। सनातन सुसमाचार दूसरा आगमन में मसीह के बारे में समझ देता है। इसे हम अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। अपना समय सही वचन के लिए बिताए गए भाई और बहनों को मेरा धन्यवाद।